कौन सा चीज नहीं है जो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाया मस्जिद में जाइए नमाज पढ़िए, आप यहाँ पे हाथ रखिए या यहाँ पे, आमीन ऊंची आवाज में करिए या नीचे आवाज में करिए, आमीन उसी के लिए जो ऊपर वाला है। अब मस्जिदें बहुत हो गई, इंडस्ट्री किसी भी बिजनेस या कोई भी चीज जब इंसान तामीर करता है या सोचता है कि मैंने क्या करना है, आइडियाज के बुनियाद पे ही उसकी बुनियाद होती है। देखना यह होता है कि बनाने वाले के पास क्या आइडिया है। जैसे अल्लाह ने इंसान को बनाया तो अल्लाह के पास एक आइडिया था, तो दुनिया में जब लोग कोई भी बिजनेस कोई भी कारोबार करने निकलते हैं तो उनके पास आइडियाज होते हैं। इस इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, जब मैंने उनके आइडिया यहाँ पे सुने, आप लोगों ने भी सुने होगी, तो मैं बड़ा जबरदस्त मुतासिर हुआ। यहाँ पे हमारे एचएस मिनिस्टर हैं, ज़ियादत पूर्वकार, बहुत सारे साथी यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने दुनिया देखी। वक्त की अशद जरूरत है कि मुसलमानों को एजुकेशन में अपना एक कलीदी रोल अदा करना पड़ेगा। दुनियावी लेवल पे अगर हम देखें, आज तक जब पूरे दुनिया में इकोनॉमिक लेवल पे सारे मुल्कों का शुमार होता है तो मुसलमान भी गिने जाते हैं। बहुत सारे मामलात में मुसलमान गिने जाते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की बात होती है तो हमने आज तक, वैसे तो मुसलमानों ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने पूरे दुनिया को नंबर वन यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, नंबर सेकंड यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दे सके, नंबर टू इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दे सके, बल्कि 10, 12, 20, 25 तक भी हमारी गिनती कहीं पे शुमार नहीं होती है। जबकि हमारी जो दीन की बुनियाद है, जब रसूलुल्लाह से मुलाकात हुआ, इकरा से शुरू हुआ, तो हमारे जो दीन की बुनियाद है वो इल्म से है। लेकिन इस इल्म के इंस्टीट्यूट, इस इल्म के एक दौर, एक तहरीक को मुसलमानों ने सरेराह छोड़ दिया। हमारे जारियो साहब यहां पे बैठे हैं, इनका तालीम में एक बहुत बड़ा फील्ड है, वासी एक तलख तजुर्बा है। हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान में आज भी अगर कहीं पे हमें पढ़े लिखे मुसलमान नजर आते हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बदौलत से हमें नजर आते हैं। और हमारे पेरेंट्स, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, फारूक साहब हमें एडमिशन चाहिए स्कूल में, कहां, बुरनहाल बिस्को, जो कि क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल है। जब हम यह दावा करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हम उम्मती है, लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो हम उन स्कूलों, मिशनरी स्कूलों को क्यों ढूंढते हैं? इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि आज तक हमने नंबर वन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम लगाने में नाकाम हुए। हमारे पास कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से मालामाल किया है, लेकिन एजुकेशन में वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैंने इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल चेयरमैन के जज्बात यहाँ पे सुने तो मुझे लगा, मैं इनको सलूट पेश करता हूं, मुझे लगा कि इनमें है वो जज्बा, इनमें है वो हिम्मत कि हम इस कौम को उस दलदल से निकालें जिस दलदल में आज पूरा मुसलमान पूरे दुनिया में फंसा हुआ है। हर मुसलमान के माथे पे आज एक टैग लगा हुआ है, कहीं बॉलीवुड की फिल्म बनती है तो डाकू करोड़ मुसलमान को दिया जाता है, कहीं हॉलीवुड की फिल्म बनती है तो डाकू करोड़ मुसलमान को दिया जाता है, क्योंकि जो हमारी तस्वीर थी, जो हमें पहचान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी थी, उस पहचान को हमने मिटा दिया, हमने इल्म के साथ मोहब्बत नहीं की। आज के दौर में, सिकल के दौर में, हम चाहते हैं, हालांकि सरकार भी चाहती है कि लोग पढ़े। अगर हम कल को हमने अगर पगाइस असल नई दाइज बनो, क्या पढ़ा लिखा नई नहीं बन सकता है? इसके लिए थोड़ी जरूरी है कि आठ वर्ष नई बनने त्राउन दुकान, क्या पहले वो ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है? अगर सोनिस बच्चस कानी कम ही करें, क्या सो एक मैट्रिक पास, सो एक ग्रेजुएशन कर तम पलिंग, क्या सोन बच्चे हेकना सच कम कर बच्चे ग्रेजुएट बनित,
तालीम को हम लोगों ने बुला दिया और हम बलंगबान दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सब कुछ हमने दे दिया, सब कुछ हमारे कुरान से निकलता है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि अगर दुनिया को कुछ दे दिया हमारे दीन ने दे दिया, इंसाफ हमारे दीन ने दे दिया, वुमेन एम्पावरमेंट हमारे दीन ने दे दिया, खेल कूद हमारे दीन ने दे दिया, वो कौन सा चीज नहीं है जो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। हम उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। ये इस हिस्सा में अगर तो बैतुल खुला चुका तुम कैसे जाओगे? हर एक चीज, कारोबार, शादी, बच्चे के साथ उठना बैठना, उस्ताद के साथ उठना बैठना, क्या कुछ नहीं सिखाया। लेकिन हमारी पहचान आजकल क्या हो रही है? कौशुर ड्रग्स में, कौशुर बदकारी में, किरदार में पान पान हम प्रोड्यूस करें कहीं, करेक्टरस में करेक्टर लेस आज वजूहत कि अस त्रो सो तलीम जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिशम ऐसे अख महवर वनान कि अगर तलीम हासिल करने खुद चीन तो पे गजी ग चूंकि चीन तम सा सऊदी अरबस दूर यह मिसाल अखस कि अगर तलीम हासिल करने खुद चीन तो पे गजी ग बह दिम तुम ज्यादा टाइम कह चूंकि मे तो पुन सकूल चलान दहली पब्लिक सकूल वासन जाना यह सकूल चलान लकुट कम ये कोई आसान सा मसला नहीं है। मेरे भाई आपके कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपके टीचर्स के कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल चलाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ के इंटेलेक्चुअल, हमारे जाडियो साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलजुल के आपका सपोर्ट किया जाए। अगर हमने एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना है तो उसके लिए हमने मिलजुल के सामने आना पड़ेगा। आपका जो टैलेंट, जो कल्चरल एक्टिविटीज में मैंने बच्चों का टैलेंट यहाँ पे देखा और जो कल्चर के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात की, एक जमाना वो भी होता था जब हम स्कूलों में पढ़ते थे हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे जब हम खेलते थे कूदते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि आप दरबदरी करने चले गए थे। लेकिन टैलेंट के साथ साथ जहां आपने यहां से उठ के वहां पहुंचना है उसके लिए आपको कल्चर एक्टिविटीज में भी जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी जाना पड़ेगा। इन सब चीजों का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होना बहुत जरूरी है। मैं भी जो थी, मैं एक बात यहां पे कहना चाहता हूं, शायद अगर किसी का दिल नाराज हो जाए मुझे माफ करना कर देना। हमने महलों में, हमने गलियों में, हमने कोचों में अहल हदीस एटकर्ड बदेटकर्ड सिर्फ हमने मस्जिदें बनाई। अब मस्जिदों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, खुदारा मस्जिदें बहुत हो गई। हमें आज तक कितना फसाद में डाला गया, हाथ यहां पे रखे कि यहां पे रखे, मस्जिद में जाइए नमाज पढ़िए, आप यहां पे हाथ रखिए या यहां पे, आमीन ऊंची आवाज में करिए या नीचे आवाज में करिए, आमीन उसी के लिए जो ऊपर वाला है। अब मस्जिदें बहुत हो गई, अब अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटियां, लाइब्रेरियां होनी चाहिए। मैं जाडियो साहब से गुजारिश करता हूं कि इनको भी आप काउंसिलिंग करनी चाहिए, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को, हम सिविल सोसाइटी के मेंबरों को भी, नौजवानों को काउंसिलिंग करनी चाहिए। अब हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमारे महलों में आप लाइब्रेरियां भी खुलनी चाहिए। मुट्ठी भर इसराइल में लोग यहूदी बैठे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इतने मुट्ठी भर लोग हैं, वो पूरे दुनिया पे राज कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर और मस्जिद ज्यादा नहीं बनाए, बनाए लेकिन बहुत कम बनाए, वो फितना फसाद में नहीं पड़े। उन्होंने कहा जहां पे गुरुद्वारा मंदिर है, जहां पे इनका चर्च है वहां जाएंगे, इबादत करेंगे, और बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, उन्होंने लाइब्रेरियां खोली, उसी के बलबूते पे आज वो पूरे दुनिया में क्या हमारे ऊपर भी वही राज करते हैं। अगर मुसलमानों को इस यहां से उठ के वहां चलना है तो हमारे दिलों में जो नफरत है, हमारे दिलों में जो बगुज है, हम एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, उन चीजों को हटा के एजुकेशन को एक हथियार बनाना पड़ेगा। एजुकेशन से ही हम रसूल सल्लम ये कहेंगे कि हम रसूल सल्लम के उम्मती हैं। एजुकेशन से ही हम पूरे दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। नौजवानों को काउंसलिंग की जरूरत है, नौजवानों को समझाने की जरूरत है, तब जाके हम आगे चल सकते हैं। मेरे यहाँ के जो प्रिंसिपल है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बड़ा जबरदस्त आज इनके ऊपर मोहब्बत आ गया है कि इनके आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा क्योंकि मेरे पास भी एक सुकूत है, एक थोड़ा छोटा मोटा तलक तजुर्बा है। इनको चाहिए यूनिवर्सिटी से या हमारे इलाके में और भी जो फ्रेंड सर्कल में लेक्चरर्स होंगे,
एजुकेशनिस्ट होंगे, प्रोफेसर होंगे, उनको बीच बीच में अपने स्कूल में बुलाए और क्वालिटी एजुकेशन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपने जो कल्चर इवेंट यहाँ पे दे दिया, जब हमारे 26 जनवरी का दिन होता है या 15 अगस्त का दिन होता है, ऐसे कल्चर इवेंट वहां पे नहीं होते, नहीं होते हैं। हम गवाह हैं, दाड़ियों साहब गवाह, ऐसे इवेंट नहीं होते हैं। आप एनर्जी देखिए यहाँ के टीचर्स की, स्कूल की, बच्चों की, कि चार चार दफा उन्हीं बच्चों ने इवेंट यहाँ पे करके दिखाया। ये इवेंट ये उनके उनमें एक पावर है। ये जो यहाँ पे टीचर्स है, ये इनकी काबिलियत है। जब हम एक बच्चे को एक प्रोग्राम देते हैं तो टीचर डगमगाता है, जब वो स्टेज पे आ जाएंगे क्या उनका प्रोग्राम हो पाएगा कि नहीं। उन्हीं बच्चों को चार दफा स्टेज पे आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं यहाँ के टीचर को सैल्यूट करता हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुख्सत लेना चाहता हूँ, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इनको ये कहना चाहता हूँ, पेट को कलिमा पढ़ने से या और चीज करने से कुछ नहीं होगा, पेट को गुजा चाहिए। बिजनेस के साथ साथ ये एक इबादत है। अगर आप सही मानों में बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन दोगे तो मुझे नहीं लग रहा है उससे बढ़कर कोई इबादत है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, मैं भी एक छोटे मोटे स्कूल से निकला हूं। हम काबिलियत में नंबर वन होते हैं, लेकिन जब स्टेज पे आने की बारी होती है, जब इंटरव्यू में जाने की बारी होती है, जब गेट टूगेदर इंटरेक्शन करने की बारी होती है, हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे वो टैलेंट, हमारे दरमियान वो, हमारे पास वो टैलेंट नहीं होता है कि हम उस स्किल के साथ लोगों में जाके वो बात करें। तो हर लिहाज से हमने, ये खाली नहीं है कि हमारे बच्चों ने मैट्रिक में अच्छी पोजीशन ले ली। दुनिया में आप ऐसे भी लोग देखोगे जिनका आज दुनिया में नाम चलता था, आज भी नाम चलता है, लेकिन उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन में वो फेलियर थे, एजुकेशन में वो फेलियर थे। लिहाजा इस इंस्टीट्यूट को हमने अगर मॉडर्न, एक रोल मॉडल इंस्टीट्यूट बनाया, तो तालीम के साथ साथ सपोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटीज, सब चीजों में यहाँ की लोकलिटी को, यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग बॉडी को सपोर्ट करना पड़ेगा। इन लोगों ने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो जाड़ियों साहब यहाँ पे हैं, ये गांधरबल की खुशकिस्मती है कि ऐसा जाड़ियों मुझे मिला। मैं 2-3 फंक्शन में गया, मैंने इनको वहां पे पाया। आरपी स्कूल में परसों गए थे, साइंस एग्जिबिशन था, मैंने वहां पे देखा। हमारा जो जून पड़ता है तुलमुला जून, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के जो ऑप्शन है, इतने एक्टिव नहीं है जितना मैंने जाड़ियों गांधरबल का मिला। छुट्टी के दिन किसी ऑफिसर का टाइम निकाल के इन फंक्शनों में आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर एक बार यहाँ की जो लोकलिटी है उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा इस स्कूल का ऑनर आपको मिला जिसके पास एक थॉट है, जिसके पास एक आइडिया। कुमार है तो बान बन कहीं कड़ाल तो बान हेक बन कहीं योतम तमिस दिमाग में आइडिया आज की मे कस शक्ल चाहती। तो इनके पास बढ़िया आइडिया है, मैं इनको शुरू